मध्य प्रदेश में होने वाले हैं स्टेट इलेक्शंस। एक तरफ बीजेपी कह रही है कि वो पावर में रहेगी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी वापस सत्ता में आना चाहती है। आखिर होगा क्या, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश के स्पोक्स पर्सन बीजेपी के डॉक्टर गुलरेज शेख। गुलरेज जी, धन्यवाद। आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि कांग्रेस की सूची आ गई है कैंडिडेट्स की, पहली, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? बाहर ही बाहर है साहब, बाहर है भाई भतीजावाद की, बाहर है नेता पुत्रों की और नेता पुत्रियों की, बाहर है भ्रष्टाचारियों की, बाहर है दुराचारियों की, बाहर है महिला उत्पीड़न करने वालों की, और बाहर है माननीय बंटाधार दिग्विजय सिंह जी की, क्योंकि वो अपने पूरे कुनबे के साथ साथ अपने सारे चेले चपाटों को भी सेटल करने में कामयाब हुए इस लिस्ट में। और मिस्टर कमलनाथ जो सर्वे 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 का राग अलाप रहे थे, उनके सर्वे तो सब गटर में गए हैं और एक टिकट मिला है उनको खुद को छिंदवाड़ा की सीट से। बाकी सारे के सारे टिकट जो आए हैं वो मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह जी के आए हैं, और हमारी भी बाहर है, क्योंकि ये लिस्ट जो आई है इनकी, ये इतनी खराब लिस्ट है कि जिससे वोटर रिपेल कर रहा है। और यहाँ तक कि महिला वोटर की आप प्रतिक्रिया देखेंगे तो महिला वोटर तो इन लोगों के नाम भी नहीं सुनना चाहता, क्योंकि उनमें ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वास्तव में दुराचार किया है महिलाओं के साथ, बहन बेटियों के साथ। तो ये लिस्ट जो है ये इसके सुनिश्चित कर दिया कि भाजपा 3/4 बहुमत जीत रही। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी भी स्टेट में क्या तीन बड़ी चुनौतियां हैं, अगर हैं तो? सबसे बड़ी चुनौती है कांग्रेस पार्टी, दूसरी बड़ी चुनौती है मिस्टर बंटाढार, और तीसरी बड़ी चुनौती है मिस्टर करप्टनाथ। मैं नॉन पॉलिटिकल चुनौतीज की बात कर रहा था। एनीवेज, सीएम वही रहेंगे जो अभी हैं? देखिए, जहां तक शिवराज जी का विषय है, शिवराज जी पहले भी मुख्यमंत्री थे, आज भी मुख्यमंत्री हैं, और पार्टी उनकी हमेशा फिक्र रखती है, तो ये चीज पार्टी उनकी फिक्र करेगी। मेरा आपसे अगला सवाल थोड़ा स्टेट असेंबली इलेक्शन से हटके है। अगले साल लोकसभा इलेक्शन आने वाले हैं, क्या लगता है बीजेपी का सेंटर में क्या होगा? कमल का फूल खिलेगा, मोदी जी वापस से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, और भारत जो है विश्व की तीसरी नंबर की इकोनॉमी, सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, पिछली बार हमने 28 सीट जीती थी 29 में से, इस बार कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ अपनी सीट हार रहे हैं, ये लिख के रख लो आप, हम 29 में से 29 सीट जीत रहे हैं। मेरा आपसे एक और सवाल है, इंडिया अलायंस से कोई थ्रेट नहीं है एनडीए को? देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है भाई कि जो ये तथाकथित एनडीए अलायंस है, घमंडिया अलायंस है, इसमें जो दल है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, उन्होंने अपनी पूरी के पूरी लगभग लगभग सूची घोषित कर रहे हैं, और कई कैंडिडेट्स उन्होंने घोषित भी कर दिए हैं। उसी प्रकार से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, उसने भी कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। तो वो तो एक ढकोसला है, केवल हेडलाइन हंटिंग की एक कोशिश है, ये तो आपस में चुनाव लड़ रहे हैं एक दूसरे से। राहुल गांधी जी के बारे में कोई कमेंट? मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग उनके बारे में बात करते करते क्यों है, क्योंकि उस व्यक्ति में कोई तत्व ही नहीं है कि उस पर बात की जाए। मतलब हम बात करें तो किसी कैलिबर वाले व्यक्ति की बात करें तो बात करना सार्थक है ना, क्यों टाइम वेस्ट करें बात करने। हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ राहुल गांधी मध्य प्रदेश में आए तो और खूब सभाएं करें, वो जितनी सभा करते हैं वो हमारे स्टार प्रचारक हमको वोट दिलवाते हैं। आप फॉरेन पॉलिसीज में भी बहुत कमेंट करते रहते हैं, तो मैं आपसे आखिरी सवाल ये जानना चाह रहा था कि फॉरेन पॉलिसीज में बीजेपी का जो अभी तक का टेक रहा है वो कैसा रहा है? देखिए, दुनिया जो है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही नहीं है, जा चुकी है, और उसका एक स्तंभ हम भी हैं, और ये स्तंभ हम मजबूत करते जा रहे हैं, और हमारी फॉरेन पॉलिसी भारत के हित को मद्देनजर रखते ही होती है, चाहे फिर वो यूक्रेन रशिया वॉर का विषय हो, चाहे मिडिल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है वो चीजें हो, हम सर्वोपरि राष्ट्र को रखते हैं। आपने देखा होगा कि इतना कद्दावर नेता हिंदुस्तान में कभी पैदा नहीं हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स की धमकी देने के बाद भी S-400 की मिसाइल सिस्टम लेना हिंदुस्तान के लिए अच्छा था, हमने ली।
हमने रशिया कंडम नहीं करना था, जहां नहीं किया, जहां कंडम करना था वहां कंडम किया। G20 हमने सफलतापूर्वक किया, उसमें वेस्ट चाहता था, पूरी ताकत लगा दी थी कि हम जो है G20 में रशिया को कंडम करेंगे, जो फाइनल उसका आउटकम आएगा, लेकिन वो नहीं किया गया। वेस्ट को हमारे सामने झुकना पड़ा, अभी तक उल्टा होता था, हिंदुस्तान घुटने टेकता था, आज घुटने वेस्ट टेक रहा है, क्योंकि अब मोदी जी का राष्ट्रवादी नेतृत्व है जो राष्ट्र सर्वोपरि रखता है और थर्ड इकोनॉमी बन रहे हैं हम। हमको कोई डरने की जरूरत नहीं है, हम अपना पक्ष खुल के रखते हैं और हम एक जियोपॉलिटिकल स्वीट स्पॉट पर हैं जिसका हम पूरा फायदा लेंगे। मेरा आपसे आखिरी सवाल, ये जो इजराइल और ये इजराइल और हमास की जो गाजा की जो लड़ाई चल रही है, इसमें पर्सनली आप किसको सपोर्ट करते हैं या आप किसकी गलती मानते हैं? देखिए, मैं एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ और कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति हो जो जियोपॉलिटिक्स पर लिखता हो, भू राजनीति पर बोलता हो, फॉरेन चैनल्स पर भी जाता हो, उसको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जो भारत सरकार की पॉलिसी होती है वही उसकी होना चाहिए, वरना आप पेट्रियोटिक नहीं हो। तो जो भारत सरकार की पॉलिसी हो, मेरी पॉलिसी 100 नहीं 200%। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इतने शॉर्ट नोटिस में आपने मुझे इंटरव्यू दिया। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले MP इलेक्शंस में जनता जिसको भी चुनेगी सड़कों पर होगा और जनता की मदद। धन्यवाद, मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।